महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार का आदर्श प्रस्तापित किया है उसमें देश भर में महाराष्ट्र का नाम बहुत खराब हुआ है। पर यह भ्रष्टाचार के आदर्शों की केवल एक घटना नहीं है, पिछले अनेक दिनों से महाराष्ट्र के सरकार के अनेक मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके कारण महाराष्ट्र का प्रशासन भी लगभग ठप हुआ है। अनेक जगह पर ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अधिकारी और राजनेता इन्होंने संगनमत करके प्राइम जगह मिलाई है और वहां अपने फ्लैट्स बनाए हैं। मंत्री जो है, मुख्यमंत्री है, इनके कार्यालय के पीए, पीएस और उनके खास कार्यकर्ताओं को ऐसे सोसाइटियों में फ्लैट्स मिले, ऐसे एक के पीछे एक प्रकरण बाहर आ रहे हैं। अपने रिश्तेदारों को भी फ्लैट्स दिए गए हैं। मुझे लगता है ये सब स्थिति देखते हुए कांग्रेस पार्टी के सामने ये प्रश्न खड़ा होगा कि जिसको भ्रष्टाचार के नाम पर हटाएंगे तो जो लोग लाना है उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप चिपके हुए हैं और इसलिए शायद कुछ विकल्प नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसी बात होगी और ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार को रखने के कारण अगर आगे कंटिन्यू किया जाएगा तो देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी ये बात अच्छी नहीं होगी। और इसलिए भ्रष्टाचार की एक नहीं ऐसी अनेक घटना है, उनकी घटनाएं सामने आई है, उसके पुरावों की जरूरत ही नहीं क्योंकि सामने ही दिख रहा है। लगभग मुख्यमंत्री कार्यालय में जितने अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं फ्लैट्स मिले हुए हैं, जगह मिली हुई है और ऐसे अनेक प्रकरण बाहर आ रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है बाकी भी लैंड स्कैंडल में बाकी भी मंत्रियों के नाम आगे आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस की सरकार और भ्रष्टाचार का जो आदर्श कांग्रेस के नेताओं ने पैदा किया है उसको देखते हुए इस सरकार को महाराष्ट्र में रखने का कोई अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और निश्चित रूप से महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की मांग है। क्या राष्ट्रपति वगैरह से मिलेंगे, कोई मांग करेंगे जाके उनके? आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण गवर्नर साहब को मिले हैं और उन्होंने अपनी बात वहां रखी है और आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में ये आदर्श भ्रष्टाचार का तो एक ही उदाहरण है, अब ऐसे 100 उदाहरण हमारे पास है और ये सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संसद के दोनों सभागृह में इस विषय को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। It is already cleared by Shivasena leader Uddhav Thackeray also that any person whom he belongs to this cause, he may belongs to any political party, उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी या बीजेपी और शिवसेना के विधायकों को फंसाने की तैयारी किस बात में? कोई फंसता नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, मैं अक्सर एक बात कॉमनवेल्थ के समय भी कह चुका हूँ, पूरी इंक्वायरी करो ना और इसमें जो जो लोग दोषी है उसको कार्रवाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जब इनके नाम पर आता है तो दूसरे के नाम लेना और विषय को डाइवर्ट करना ये उनकी पुरानी आदत है। जब जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार चिपकता है और उनके नेता अड़चन में आते हैं तो छोटा सा कोई बात विरोधी पार्टी का नाम लेकर डाइवर्ट करना मीडिया को उसके तरफ, ये उनकी नीति रही है। किसको? देखिए वहां तो सब खुला कारोबार है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये तो देश की जनता जानती है, देश की मीडिया जानती है। और मुंबई में जिस प्रकार के लैंड स्कैंडल्स एक के पीछे एक हुए हैं, मैं तो कहता हूं कि आने वाले पिछले 10 साल में जितनी लैंड दी गई है उसमें किसके किसके वेस्टेड इंटरेस्ट है और एसआरए में भी जिस प्रकार से प्रपोजल्स हुए हैं इसकी सबकी छानबीन केंद्र सरकार करे और इसकी इंक्वायरी करने के बाद, निरपेक्ष इंक्वायरी करने के बाद जो लोग आएंगे आगे में उन पर कार्रवाई करें। 10 तारीख को आरएसएस पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली है, क्या बीजेपी उसके साथ रहेगी? ये मैं इसी विषय पर अपने बात को सीमित रखना चाहता हूँ। ठीक है।
आपका भाषण सुना गुजरात नंबर 1 हो गया।